करें तो सिर्फ 95,000, 95,000 में आपको मंजा और 1,20,000 में, 1,20,000 अगर फाइनेंस करवाना चाह रहे थे। 2012 के ऊपर का कोई भी गाड़ी लेंगे आपको उसमें फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 10 डिटेल्स बता देते हैं, 12 के ऊपर का गाड़ी आप लेंगे फाइनेंस हो जाएगा तो सिर्फ पड़ेगा आपको 90,000। बहुत बड़ा, हम ये नहीं बताएंगे कि चैलेंजिंग है क्या है, आप लोग खुद डिसाइड करिए, मतलब बोलने से नहीं होता। हाँ, बोलने से नहीं होता है। कस्टमर लेने से पहले आप जरूर एक बार पूरा मार्केट चेक करिए, फिर हमारे पास आइए। प्यू कार वर्ल्ड में जब भी आएंगे आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगा। तो हेलो एवरीवन, दिस इज सैफ, वेलकम टू सिद्दीकी राइड। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सिद्दीकी राइड के बहुत ब्लॉग में। तो आप सबके डिमांड पर हम लोग पहुंच चुके हैं प्यू कार वर्ल्ड, और आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बहुत सारी कारें मिलेंगी जिसमें ब्लोरो भी होने वाली है, और बहुत सारा प्यार लास्ट वीडियो में आपको दिखाने के लिए, इसके लिए थैंक यू। और आपको अगर हमसे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब का ऑप्शन आता होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो काफ़ी गर्मी है तो मिलेंगे शुभम भैया से और सभी कारों का दिख लेंगे। शुभम भैया हेलो। हेलो भैया, तो गर्मी तो काफ़ी, हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट अपना तो काम करना ही है। हाँ, हम लोग भी गर्मी बढ़ाने के लिए आ गए हैं मार्केट में फिर से। चलिए, तो गर्मी बढ़ाने के लिए हम लोग आ चुके हैं, तो आज क्या हो जाएगा? आज तो बहुत सारा कलेक्शन है, मिक्स कलेक्शन दिखेगा और कुछ ऑटोमेटिक गाड़ी भी दिखाएंगे आपको। जी हाँ, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया जाए वीडियो? स्टार्ट करते हैं, हाँ फोर्ड से स्टार्ट करते। तो स्टार्टिंग फोर्ड से ही करते हैं। हाँ, ये 2012 का फोर्ड फिगो है और टैक्स इसका 2022 तक है। पेट्रोल वर्जन कार है, इसमें आपको एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो सब कुछ मिल जाएगा। किलोमीटर चला हुआ है ये 40,000, सेकेंड ओनर कार है। और प्राइस का बात करें तो सिर्फ पड़ेगा इसका 1,50,000। 1,50,000 में? जी हाँ, 2012 का फोर्ड फिगो। टैक्स कब तक बताया आपने? 2022 तक, 12 का 22 तक टैक्स 1,50,000 रुपए में। अब आते हैं i20 वाइट। ये 2010 का i20 है, i20 का काफी डिमांड होता है मार्केट में, और खास बात है इसका 5 इयर्स का टैक्स पेड है, 2025 तक टैक्स पेड है इसका। और एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो सब कुछ है, पेट्रोल वर्जन कार है, मैग्ना मॉडल है। जो सीट कवर देख रहा हूँ काफी, हाँ नीट एंड क्लीन गाड़ी है, और गाड़ी काफी अच्छा है। प्राइस का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा आपको 195। 1,95,000 में? 2010 का i20। चलिए, 1,95,000 में 10 का 5 तक 25 तक, 25 तक। जी हाँ, तो 5 साल रिलैक्स रहना इस कार को लेने के बाद। तो अब आते हैं सुजुकी, और ये 2012 का ए स्टार है, ऑटोमेटिक गाड़ी का। खास बात है ए स्टार का काफी डिमांड है मार्केट में, और इसका माइलेज भी काफी अच्छा होता है, और स्पेस भी इसमें काफी कुछ है अंदर में, और कहीं भी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, बहुत कुछ फैसिलिटी है इसके अंदर। जी हाँ, एक्स्ट्रा देखा जाए तो लगेज वो तो लगा हुआ है, और एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, और खास बात है ऑटोमेटिक ए स्टार का काफी डिमांड होता है मार्केट में। ये ऑटोमेटिक गियर है, पेट्रोल वर्जन कार है, VXI ऑटोमेटिक ABS, और इसमें फीचर्स है आपका एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, सेंटर लॉक, और फुल लोडेड गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, किलोमीटर अप्रोक्स 8,000 के आसपास चला हुआ है। तो अब बहुत अच्छा गाड़ी होने वाला है, और प्राइस का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा 1,90,000। 1,90,000 में? जी हाँ। माइलेज क्या हो जाती है? माइलेज देगा आपको ये 16-17। चलिए, 16-17 माइलेज देने वाला। तो अब आते हैं, जी हाँ सिटी में, तो अब आते हैं दबंग वाले गाड़ी में। ये बुलेरो है 2015 का, टैक्स इसका 2025 तक पेड है, और इंश्योरेंस भी रनिंग है। JDLX टॉप मॉडल है, डीजल वर्जन कार है, एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो सब कुछ है इसके अंदर। टायर का कंडीशन भी काफी अच्छा है, और व्हाइट कलर का काफी डिमांड होता है। प्राइस का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा 5,00,000। सिर्फ 5,00,000 में? 15 की गाड़ी, अगर हम शोरूम से लेना चाहें तो कितना पड़ जाएगा? शोरूम अप्रोक्स ये 10 के आसपास प्राइस है, जो मॉडल के ऊपर दाम होता है। जी हाँ, तो चलिए 5 साल तक टैक्स भी मिलने वाला है, 15 की गाड़ी होने वाली है, और 10,00,000 अगर शोरूम से लेना जाएगा तो 10,00,000। यानी अगर आपको पैसा सेव करना है तो सिर्फ क्या करना है? प्यू कार वर्ल्ड में आना है। जी हाँ, तो अब अल्टो, अगली कार है हम लोग की अल्टो। ये 2014 का गाड़ी है, 24 तक टैक्स पेड है, इंश्योरेंस रनिंग है, किलोमीटर आपका अप्रोक्स 50-60 के आसपास चला हुआ है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और इसमें एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो है, LXI पेट्रोल वर्जन कार, और कलर भी काफी अच्छा है, गाड़ी भी काफी अच्छा है। प्राइस का मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छा है। हाँ, मार्केट तो आप अल्टो 800 का एनी टाइम मार्केट में सेल करेंगे तो आराम से बिक जाएगा। तो प्राइस का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा आपको 1,99,000। 1,99,000 14 की गाड़ी। जी हाँ, टैक्स अब तक बताया? 2024 तक। चलिए 24 तक, मतलब अभी तक जो जो गाड़ियां देखा हमने, टैक्स के लिए कोई चिंता नहीं है, रिलैक्स रहना है।
अपडेट मिलेगा, यहाँ पे नाम ट्रांसफर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पेपर वर्क के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जी हाँ, और जो आउट ऑफ कोलकाता से आ रहे हैं उनके लिए भी नाम ट्रांसफर इजी अवेलेबल है, ठीक है, और एनओसी भी निकल जाएगा, कस्टमर जैसा प्रिफर करेगा वैसा उस हिसाब से काम कर देंगे। जी हाँ, तो अब आते हैं पिंक जेन। हाँ, जेन स्टीलो 2007 का गाड़ी है ये। जी हाँ, और टैक्स इसका 2022 दिसंबर तक है, इंश्योरेंस भी रनिंग है, LXI किलोमीटर चला हुआ है, 36,000, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, पिंक कलर में। इसमें फीचर्स है आपका एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, फ्रंट पावर विंडो। प्राइस का बात करें तो सिर्फ पड़ेगा आपको 90,000, सिर्फ 90,000 में। सिर्फ 90,000, 2007 की गाड़ी, सात की गाड़ी 90,000 में। तो वीडियो के एंड में ये भी मार्केट वैल्यू में जाने जाते हैं। वैगनर, वैगनर 2013 का है, VXI है, और इसमें CNG भी आपका लगा हुआ है, 13 का गाड़ी, 23 का टैक्स वाला है। हाँ, और VXI AC पावर स्टीयरिंग पावर विंडो। वैगनर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, फिर भी कर दे रहे हैं और माइलेज भी काफी इसका अच्छा होता है। प्राइस का बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2,40,000 पड़ेगा। 2,40,000, 2013 का गाड़ी, 2,40,000। जितनी भी गाड़ियां दिखाई आप एक बार मार्केट में जरूर सर्च कर लीजिए। हम लोग का काम नहीं है कि ज्यादा बोलना, हम लोग का काम है सिर्फ करना, बाकी आप लोग खुद डिसाइड कर लेंगे कि प्राइस कैसा है, क्वालिटी कैसा है, ठीक है। तो आपने बताया ये डुअल होने वाली है, ठीक है, अगर कोलकाता, ये VXI गाड़ी है, VXI है, LPG इसमें फिटेड है, और LPG चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरह, बहुत लोग का डिमांड होता है LPG में गाड़ी लेने का, तो ये उनके लिए है। 13 का गाड़ी, 23 तक टैक्स, प्राइस बता दिए 2,40,000। 2,40,000 में डुअल बहुत बड़ा। हम ये नहीं बताएंगे कि चैलेंजिंग है क्या है, आप लोग खुद डिसाइड करिए, मतलब बोलने से नहीं होता। हाँ, बोलने से नहीं होता है। कस्टमर लेने से पहले आप जरूर एक बार पूरा मार्केट चेक करिए, फिर हमारे पास आइए। प्यू कार वर्ल्ड में जब भी आएंगे आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगा, और यहाँ पे हम लोग का हर एक काम बहुत ही अच्छे तरीके से होता, ताकि आपको ऐसा ना हो गाड़ी लेने के बाद फ्यूचर में प्रॉब्लम है, नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं। और आप हमारे यहाँ जब भी आएंगे खुद का मैकेनिक लाइए, गाड़ी अच्छे तरह से दिखाइए, फिर ले जाइए। जी हाँ, तो आप बातों के बहकावे में ना आए। बिल्कुल जी हाँ, तो अभी और होने वाला है, और आइए चलते हैं, और भी गाड़ियाँ दिखाते हैं आप। चलिए आ जाते हैं पिंक के बाद रेड। ये रेड स्टीलो है, 2009 का, LXI गाड़ी है, AC पावर स्टीयरिंग पावर विंडो, और 2009 का गाड़ी, 24 तक टैक्स है, किलोमीटर अप्रोक्स 50 से 60 के आसपास चला होगा। और प्राइस का बात करें तो सिर्फ पड़ेगा आपको 1,15,000। 1,15,000 2009 का जेन स्टीलो। ओनर क्या हो जाएगी? ये शायद सेकेंड ओनर है। सेकेंड ओनर है, माइलेज इसका भी बढ़िया है। हाँ, माइलेज इसका भी अच्छा मिलेगा। 1,15,000 1,15,000 में, और 90,000 में पिंक। हाँ, और ये 99 का गाड़ी है, जिनको सीखना है, हाथ सेट करना है, उनके लिए ये बेस्ट गाड़ी है। तो कितने में हो जाएगी? थंबनेल वाला प्राइस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और सबसे खास बात है इसका इंश्योरेंस 2022 तक किया हुआ है, और टैक्स इसका 2029 तक है। 2029 तक गाड़ी में आपको पावर विंडो और AC मिलेगा। 99 का गाड़ी, फर्स्ट ऑनर, किलोमीटर 50,000 के आसपास चला हुआ है। प्राइस का बात करें तो सिर्फ पड़ेगा आपको 47,000। सिर्फ 47, 47,000 में आपको ये जेन मिलने वाली 99 का। ये नेगोशिएबल हो जाएगा। सिद्दीकी राइड के लिए देख लीजिए। एक्चुअली सिद्दीकी राइड में हम जितना भी गाड़ी का प्राइस बताते हैं सब बेस्ट डील होता है। अच्छा, बेस्ट डील होता हाँ। है जी हाँ, कुछ भी नहीं हो सकता ऐसे, तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन देख लेंगे। चलिए देख लेंगे, तो जरूर रेफरेंस जरूर बताएं। तो अब चला जाए उस गैरेज। तो आज तीन है, डिमांड ज्यादा आ रही है क्या जेन की? हाँ, डिमांड तो ज्यादा आ ही रहा है, और तीनों अलग अलग कलर में, अलग अलग कलर का है सारा कलर, और प्राइस भी अलग है। और खास बात यहाँ पे ये है कि आपको हर तरह का गाड़ी हमेशा अवेलेबल मिलेगा, हैचबैक, सेडान, SUV, और वो भी कलरफुल। और ये अगला गाड़ी है, 2011 का जेन स्टीलो VXI, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, किलोमीटर अप्रोक्स 50-60, देखिए किलोमीटर हम लोग अप्रोक्स नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतना सारा गाड़ी है, किलोमीटर याद करना काफी डिफिकल्ट है। तो मैं एक अप्रोक्स फिगर बता रहा हूँ आपको। 11 का गाड़ी, 21 टैक्स, VXI पेट्रोल वर्जन गाड़ी है, और प्राइस का बात करें तो सिर्फ पड़ेगा आपको 1,70,000। 1,70,000 हाँ, टैक्स 2021 तक है, इंश्योरेंस भी वैलिड है, AC पावर स्टीयरिंग पावर विंडो सेंटर लॉक म्यूजिक सिस्टम सब कुछ अवेलेबल है, और गाड़ी की खास बात है फुल ओरिजिनल पेंट में। तो तीन गाड़ी, तीन ऑप्शन, तीन प्राइस, जो पसंद आए आकर ले जाइए। तो अगेन हमारा का अल्टो है, LXI AC पावर स्टीयरिंग म्यूजिक सिस्टम पेट्रोल वर्जन, LXI सिल्वर कलर का गाड़ी है, और
किलोमीटर ये भी उतना ही चला हुआ है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। प्राइस का बात करें तो सिर्फ पड़ेगा आपको 1,50,000। 1,50,000 1,90,000 वाली रेड वाली। हाँ वो अल्टो 800 है, ये अल्टो है, दोनों का अलग अलग डिमांड होता है। अब आते हैं मंजा की तरफ, तो अभी आ जाते हैं मंजा की तरफ। ये 11 का गाड़ी है, पेट्रोल है और प्राइस काफी अट्रैक्टिव होगा इसका। और खास बात ये है कि आपको टैक्स 2026 तक मिलेगा। 26 तक, 6 साल 2026 तक टैक्स है। इंश्योरेंस भी वैलिड है इसका, पेट्रोल गाड़ी है, किलोमीटर 60,000 चला हुआ है। और इसमें आपका फीचर्स है एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, स्टीयरिंग कंट्रोल, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ अवेलेबल है। प्राइस पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 1,20,000। 1,20,000 में 2011 का मांजा, 26 तक टैक्स, 5 साल का टैक्स के साथ। चलिए तो और क्या चाहिए। तो अब आते हैं टॉप मॉडल गाड़ी है ZLX, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, किलोमीटर 70,000 चला हुआ है, डीजल वर्जन, एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, बैक वाइपर, सब कुछ अवेलेबल है इसमें। प्राइस का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा आपको 4,80,000। 4,80,000 2014 का गाड़ी। जी हाँ, तो ऑप्शन है, जो भी पसंद है आके ले जाए। अमेज आ जाते हैं, ये अमेज है 2014 का गाड़ी, डीजल वर्जन है, एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो और स्टीयरिंग कंट्रोल काफी कुछ इसमें है और माइलेज भी काफी अच्छा होता है। और कलर आप देख सकते हैं, व्हाइट कलर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और इस गाड़ी का प्राइस पड़ेगा सिर्फ आपको 2,90,000। 2,90,000 2014 का अमेज, 24 तक टैक्स, इंश्योरेंस भी रनिंग है, डीजल, माइलेज इसका कम से कम आपको 18-20 मिलेगा। तो प्यू का वर्ल्ड में आइएगा ना, तो बहुत सारा ऑप्शन रहता है, बहुत सारा कैटेगरी का गाड़ी रहता है आपको, हैचबैक, सेडान, एसयूवी, 10 सीटर, 9 सीटर। गाड़ी हम लोग की सोमो विक्टा है, 9 सीटर है, 2011 का गाड़ी है और टैक्स इसका 2021 सितंबर तक है। इंश्योरेंस भी रनिंग है, टायर काफी अच्छा कंडीशन में है इसका। इसमें फीचर्स आपको मिलेगा एसी, पावर स्टीयरिंग, फर्स्ट ओनर गाड़ी है और किलोमीटर अप्रोक्स 1,00,000 चला हुआ है, जो है जमीन बताएंगे, कोई मीटर टेम्परिंग नहीं है। और प्राइस पड़ेगा सिर्फ आपको 2,25,000। चलिए 2,25,000 में टाटा सुमो मिल रहा है आपको। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ। ईऑन ये 2012 का है, डिलाइट प्लस, एसी, पावर स्टीयरिंग, म्यूजिक सिस्टम, पेट्रोल वर्जन गाड़ी है, 12 का गाड़ी, 22 तक टैक्स, सेकेंड ऑनर, कलर देख सकते हैं ग्रे कलर काफी अच्छा और अट्रैक्टिव है और मैक्सिमम ओरिजिनल पेंट में ही है, कंडीशन काफी गाड़ी का अच्छा है। प्राइस का बात करेंगे तो सिर्फ पड़ेगा आपको 1,65,000। 2012 का गाड़ी, पूरा मार्केट में सर्च कर लीजिए, आपको 1,65,000 में ईऑन नहीं मिलेगा। मेरे एक फ्रेंड लिया है, 2 के ऊपर गया बजट। तो अब आते हैं एक, ये अगली गाड़ी है हम लोग की, महिंद्रा की लोगान है, डीजल है, इसका भी टैक्स आपको 2026 तक पड़ेगा। काफी अच्छी गाड़ी होती है सेडान और काफी चौड़ी लग रही है। हाँ, माइलेज इसका आपका 20 के आसपास मिलेगा, एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ है गाड़ी में। प्राइस का बात करें तो पड़ेगा सिर्फ आपको 1,60,000। चलिए 1,60,000 में ये वाली मिल जाएगी सेडान में। तो वीडियो के एंड में आते हैं अगेन मांजा। ये मांजा 2011 का है, एसी, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, अलॉय व्हील, स्टीयरिंग कंट्रोल, सब कुछ इसके अंदर है। ये स्टॉक आता है अलॉय व्हील? नहीं, एक्स्ट्रा फिटिंग है। और 11 का गाड़ी, 21 तक टैक्स, इंश्योरेंस वैलिड, प्राइस का बात करें तो सिर्फ 95,000। चलिए 95,000 में आपको मंजा और 1,20,000 में, 1,20,000 में उसका टैक्स 2026। जी हाँ, अगर फाइनेंस करवाना चाह रहे हैं तो क्या करना होगा? 2012 के ऊपर का कोई भी गाड़ी लेंगे, आपको उसमें फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो जाएगा, टाटा का गाड़ी छोड़ के। टाटा का गाड़ी छोड़, हाँ, और उसमें भी गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा गाड़ी, उस हिसाब से लोन होता है। तो और मैं बस बोल दूं कि आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, बस आ जाइए। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बता देते हैं। 12 के ऊपर का गाड़ी आप लेंगे, फाइनेंस हो जाएगा, अदर स्टेट का फाइनेंस नहीं होता है। जिनका एड्रेस कोलकाता से 100 किलोमीटर के आसपास में है, उनका ही फाइनेंस हो पाएगा। और नाम ट्रांसफर, एनओसी, ये ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। आप कहीं से भी रहेंगे, आपका नाम ट्रांसफर वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। और हम लोग बहुत लोग एड्रेस भी पूछते हैं, तो हम लोग का एड्रेस है VIP रोड टेगोरिया, ये आपका एयरपोर्ट के पास पड़ेगा, कोलकाता एयरपोर्ट के पास। स्टेशन का बात किया जाए तो विधाननगर। हाँ, रेलवे स्टेशन, अगर बाहर से लोग आएंगे तो उनके लिए कोलकाता पड़ेगा। कोलकाता? हाँ जी हाँ, मैं विधाननगर से। और नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, वहाँ पे देख के आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक ख्याल रखें।